हाय मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल का हॉल वीडियो। जी हाँ, आपको टाइटल से समझ में आ गया है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पर्पल पे अभी बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो बार बार ना मतलब मुझे मन हो रहा था कि मैं कुछ ले लूँ। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लेना है, क्या मेरे पास नहीं है जो मुझे लेना था या मुझे रिफिल करना है, समथिंग कुछ ऐसा। तो मैंने देखा कि मेकअप में आई हैव लाइक अभी बहुत कुछ, राइट नाउ अभी बहुत कुछ है, तो मैंने सोचा चलो स्किन केयर ही मंगा लेते हैं, बिकॉज राइट नाउ जो मेरी स्किन की कंडीशन है वो थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने स्किन केयर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझा। आई एम रियली सॉरी बार बार हेयर ठीक कर रही हूँ। यस, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की जो रेंज है, जी हाँ गुड वाइब्स की जो रेंज है, उनके स्किन केयर को ट्राई किया है। आप लोग मुझे बहुत टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी अभी तक गुड वाइब्स का मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया। ज़्यादा कुछ किया मतलब आई थिंक मैंने एक ही चीज़ यूज़ किया था, इसेंशियल ऑयल था वो, और कुछ भी मैंने गुड वाइब्स का यूज़ नहीं किया है अभी तक, कोई भी गुड वाइब्स का यूज़ नहीं किया। तो फिर मैंने ना काफ़ी मतलब वीडियो में देखती हूँ कि मतलब सेल आती है तो लोग गुड वाइब्स का भर भर के ख़रीद लेते हैं, और फिर मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे वो कि मैंने सोचा यार ठीक है एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद कुछ अच्छा निकल जाए। तो मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे नहीं है, आई थिंक 7 प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं गुड वाइब्स के। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या मंगाया है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। ये ग्लो टोनर है बाय द वे, इसमें बहुत वेरियंट्स है। अब मैं एक मिनट यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, गुड वाइब्स जो है बहुत अच्छा लगा मुझे स्किन केयर के मामले में, अफोर्डेबल है बट बहुत वैरायटीज़ है विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। आपको बहुत समझ के पढ़ पढ़ के आपको लेना होगा कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम बहुत अच्छा लगता है कि वाओ एक अफोर्डेबल ब्रांड आपको इतनी वैरायटी वेरियंट्स दे रहा है विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो मेरे जैसी लड़कियों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सर्च करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, तब जाके डिसाइड किया मैंने कि मुझे मेरे स्किन टाइप के लिए क्या चाहिए। बट डिटेल सारी वहाँ पे होती हैं, आप पढ़ पढ़ के ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये ग्लो टोनर है ये 120 ml का है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, नो पैराबन, नो सल्फेट, और ये क्रुएल्टी फ्री है। तो 120 ml काफ़ी अच्छा अमाउंट दे रहे हैं ये लोग, और इसकी प्राइस है 175 rupees। लेकिन क्योंकि आपको पता है सेल है तो ऑब्वियसली प्राइस कम में मिला होगा, तो लेट मी चेक कि मुझे कितने में पड़ा है। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, ये purple.com एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो आपको ये प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा purple.com, आपको उससे डाउनलोड करना है एंड रजिस्टर करना है एंड देन आप शॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई ऑर्डर्स में जाके देख लेती हूँ कि मैंने, हाँ तो ये है 175 का मुझे मिला है, ये 125 rupees का, वेरी गुड डील। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, की इंग्रेडिएंट्स वगैरह, मतलब इसमें जैसे दिया है कि हाँ ठीक है ये थोड़ा नेचुरल है बट इसमें थोड़े केमिकल्स भी आपको मिलेंगे, एंड मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं करूँगी यहाँ पे, बस एक मिनी सा बता दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ग्रीन टी है इसमें, तो ये ना थोड़ा इन्फ्लेमेशन, एक्ने मार्क्स जो है उसको ठीक करेगा, इसलिए मैंने इसे लिया। और इसमें लिखा है कि क्रिएटेड फॉर ऑयली स्किन, हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन, बस यही बात देखकर मैंने इसे परचेस किया, और बहुत ज़्यादा रेटिंग्स थी इसकी अच्छी। तो अभी तो खैर न्यू है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट ठीक है यूज़ करेंगे और रिव्यू भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत सारा फेशियल ऑयल है गाइज, सी 5 फेशियल ऑयल मैंने परचेस किया है, OMG। तो सबसे पहला जो है वो है ये गुड वाइब्स का क्यूक्यूम्बर एंड लेमन, स्पेशली फॉर अंडर आइज़ के लिए है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स, मैं लैपटॉप पे इतना काम करती हूँ, रिंग लाइट सामने है, और फिर बेबी के वजह से थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न्स भी इधर उधर है, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो इसमें लिखा है कि क्यूक्यूम्बर की सूदिंग प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी, वाटर रिटेंशन अगर आपको यहाँ पे होता है लाइक फुला पफीनेस तो उसको रिड्यूस करेगा, और लेमन जो है वो टाइटन करेगा स्किन को और आपके स्किन को लाइटन करेगा, गुड थिंग। और इसकी अगेन प्राइस मैं आपको देख के बताती हूँ, 225 इसकी प्राइस है, 10 ml क्वांटिटी है, बट मुझे 160 का मिला है। नेक्स्ट है रोज़ हिप ऑयल, ओके तो नेक्स्ट है ये रोज़ हिप ऑयल, ये रोज़ हिप ऑयल है रेडियंट ग्लो फेस सीरम 10 ml अगेन, इसकी प्राइस है
215, मुझे 153 का मिला है, ये भी 10 ml का है। तो रोज़ एक ऑयल जो होता है ये मेंटेन करता है स्किन के इलास्टिसिटी को, स्मूथ करता है आपके स्किन को। इन्फ्यूज्ड है विथ रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन अनइवन है अगर, तो उसको ग्लो कॉम्प्लेक्शन देगा, इवन टोन बनाएगा। तो ये भी मैं यूज़ करूँगी, सब आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। नेक्स्ट है गुड वाइब्स का एज डिफाइनिंग सेरम विटामिन सी एंड विटामिन ई, और ये 225 का है, 160 रुपीज़ का मिला है, 10 ml है इसमें। तो यस, ये भी मैंने लिया था बिकॉज इसमें लिखा था, मैंने पढ़ा था वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में था कि विटामिन सी जो है वो स्टिमुलेट करेगा कोलेजन प्रोडक्शन और प्रोटेक्ट करेगा पॉल्यूशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेज से, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा धूप होती है कड़ी कड़ी, तो क्या होता है ना मुझे ऐसे छाइयाँ हो जाती हैं हल्की हल्की। तो मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि अगर ये वर्क करता तो इट्स गुड। और विटामिन ई लाइट करेगा स्किन, फाइट करेगा फ्री रेडिकल्स को, फाइट करेगा एंड प्रिवेंट करेगा रिंकल्स फाइन लाइंस को, और आपकी स्किन को यूथफुल और यंग बनाएगा। तो अच्छी बात है बिकॉज सन के रेस से अगर आपकी स्किन डैमेज होती है तो एजिंग ही आती है, तो उसके लिए ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे लिया। विंटर सीजन है इसलिए मैंने स्पेशली ये आलमंड वाला लिया है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर माई स्किन टाइप, मैं बता देती हूँ, ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्किन के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस ऑयल को, मेरे स्किन पे ये थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑयल दे रहा है। ये आलमंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल है और इसकी प्राइस है 149, मुझे 109 का मिला है, 10 ml अगेन है। इसमें लिखा है हेल्प्स फेड डार्क सर्कल्स, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, रिड्यूस अनइवन स्किन टोन। तो यही देख के मैंने ले लिया, मैंने कहा यार विंटर आने वाला है और अभी ना मैं कुछ दिनों बाद अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो वहाँ पर यूपी में बहुत ठंड रहती है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन चाहिए होता है मुझे। कलकत्ता का जो मौसम है, वेदर है, विंटर में मेरी स्किन वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, बट यूपी में जब मैं विंटर में जाती हूँ तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, तो आई नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन, तो इसीलिए मैंने इसे लिया। एंड गोवा में मेरी स्किन ऑयली है और कोलकाता में भी अगर नॉर्मल सीजन है तो मेरी स्किन ऑयली होती है, बट विंटर में वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, ऐसा फील नहीं होता कि भर भर के मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है मेरी स्किन अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये लिया कि चलो ठीक है थोड़ा मॉइस्चराइजेशन में भी वहाँ मिल जाएगा और फिर वहाँ पे अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे तो मे बी डार्क स्पॉट्स वगैरह और डार्क सर्कल्स वगैरह स्किन इम्प्रूव हो जाएगी मेरी। नेक्स्ट जो है गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सेरम, ये मैंने यहाँ के हिसाब से लिया बिकॉज राइट नाउ अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा टी ट्री मुझे लेना ही था तो उसमें पपाया भी था, तो मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़े तो उसमें था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी ट्री, लाइटवेट सीरम है, प्रिवेंट करता है, फेड करता है एक्ने स्कार्स को, इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को, और पपाया जो होता है आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है, लाइटर बनाता है और सॉफ्ट बनाता है, मतलब ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो इसका जो प्राइस है टी ट्री वाले का 149 एंड टी ट्री वाले का 225 और मिलता है 158 में। तो मुझे अच्छा लगा यार, मतलब ये सब मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, मैंने सोचा कि ठीक है मैं लेती हूँ और शायद मुझे पसंद आ जाए तो रीपर्चेस करेंगे। बहुत वाइड रेंज था फेशियल ऑयल का, ये फेशियल ऑयल है, दीज आर ऑल फेशियल ऑयल, इसे आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे डाइल्यूट करके यानी किसी क्रीम में, मॉइस्चराइज़र में या एलोवेरा जेल में मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि फाइव वेरियंट्स, बहुत वेरियंट्स है, एवोकाडो ऑयल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, ग्रेप वाला था, लेमन ग्रास था, बहुत था, बट मैंने कहा कि ठीक है अभी फ़िलहाल 5 ट्राई करते हैं, अगर और अच्छा लगा तो आफ्टर फिनिशिंग दिस मैं वो करूँगी, बिकॉज अभी 5 है मेरे पास और मुझे सबका रिव्यू करना है बिकॉज मैं रिव्यू करने में अक्सर डिले कर देती हूँ। ओके, तो मैंने ये भी एक लिया था गुड वाइब्स का इसेंशियल ऑयल, दिस इज़ द इसेंशियल ऑयल, ये टर्मरिक वाला है, कच्ची हल्दी का। और इसेंशियल ऑयल और फेशियल ऑयल में डिफरेंस ये होता है कि इसेंशियल ऑयल जो होता है वो हमें कैरियर ऑयल यानी कि कोकोनट ऑलिव ऑयल या फिर आप कह सकते हैं कोई भी स्किन ऑयल जिसको हम लोग डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं उसमें मिक्स करके हमें इसेंशियल ऑयल लगाना होता है, यानी डाइल्यूट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगा सकते, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा, बट फेशियल ऑयल को बनाया इस तरह जाता है कि डायरेक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये गुड वाइब्स का टर्मरिक वाला एसेंशियल ऑयल है, 10 ml है, और इसे मैंने, ये 145 का है, मुझे समथिंग 100 का कुछ मिला। इसमें लिखा है कि ये स्ट्रेस को रिलीफ करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, अगेन ट्रीट करता है स्किन के इन्फेक्शन को बिकॉज इट हैज़ टर्मरिक, एंड इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को, और हेयर लॉस अगर है तो आप अपने हेयर कोकोनट ऑयल में मिला के अपने हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी स्किन को यंगर लुकिंग बनाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैंने इसे भी परचेस किया था। और यस, एक बात तो बताना ही भूल गई मैं, ये जो गुड वाइब, सॉरी, ये जो विटामिन सी एंड ई और ये जो रोज हिप वाला का एप्लीकेटर आया था ना, वो टूटा हुआ था। एप्लीकेटर मतलब ऐसा होता ना, ये निकालने वाला, ये आप देखो इस हालत में आया था, ये कांच है और इस तरह से ये टूटा हुआ रिसीव हुआ था, दो का। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी बिकॉज हम अगर इतना पे कर रहे हैं, हम डिलीवरी भी मैंने पे किया purple.com पे 25 rupees अलग से, तो दिस शुड हैव मेंटेन दैट कि मुझे अच्छे स्टेट में प्रोडक्ट मिले। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ तो मुझे बहुत दुख हुआ, बट आई होप purple.com इसे अपग्रेड करेंगे, अच्छा करेंगे, बिकॉज इसमें मैं किसका मिस्टेक बोलूँ, डिलीवरी वाले लोग का या पर्पल का, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे शुड हैव मेंटेन दैट कि आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट सही सलामत मिले। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का हॉल वीडियो, जो कि काफ़ी सारे स्किन केयर हैं और बहुत बढ़िया लगा मुझे इसको शूट करके। तो अब कल मैं अपलोड करूँगी नायका का हॉल, क्योंकि मैंने नायका से भी कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, तो अपडेट रहिएगा। और वहाँ से भी मैंने क्या परचेस किया, स्किन केयर मेकअप जानना है, तो कल देखते हैं। और यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।